नमस्कार, मैं अमित आज आपका स्वागत करता हूँ stnews.co.in में। पहले तो आपको बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय हमारे साथ में है सपा नेता दानिश अहमद खान जी, वो भी आप लोगों को बधाई देना चाह रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोगों को बधाई देना चाह रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि बकरीद पे उनकी शुभकामनाएं क्या हैं लोगों के लिए और बकरीद आखिर क्यों मनाई जाती है। तो सर आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम दानिश अहमद है, मैं नगर सचिव हूँ समाजवादी लुधियानवानी का, समाजवादी पार्टी। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो इतने कम वक्फे में जो हमारे पास आए हैं, और दिली मुबारकबाद। और तो पार्टी के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस बकरीद पर? सबसे पहले मैं इनको बकरीद की धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी धर्म जाति सभी वर्गों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जिन्होंने इतने प्यार मोहब्बत से बकरीद हम लोग साथ मिलकर मनाई। सबसे पहले अपने नगर अध्यक्ष पंकज भाई का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने जो है हमारे साथ सुबह मिलके ईद की तैयारियाँ करी और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ ईद मनाई। तो जैसे ईद पर्व मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, हमारे दर्शकों को बताइए। ये एक कुर्बानी का मसला है, कुर्बानी मोहब्बत बलिदान त्याग के लिए था, इसीलिए जो है इसी पर्पज़ को आगे बढ़ाते हुए कुर्बानी की जाती है और हम लोग उसी को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में सपा के नेता दानिश अहमद खान, जिन्होंने आपको शुभकामनाएं दी, अपनी पार्टी के लोगों को दिया, और जो उनके पार्टी के लोहियावानी के नगर अध्यक्ष हैं पंकज जी, तो उनको भी इन्होंने शुभकामनाएं दिया है कि ईद में उन्होंने मिल करके इनसे सारी तैयारियां करवाई। ऐसे ही मिलजुल के हमेशा हर त्यौहार मनाते रहिए। एसटी न्यूज़ आपसे यही चाहता है कि कोई भी त्यौहार हो उसके अंदर आक्रोश ना हो, कहीं ना कहीं प्यार हो। हम लोग मिल करके जब त्यौहार मनाते हैं तो कहीं ना कहीं देश सशक्त होता है। इसी के साथ मैं अमित आपसे इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे एसटी न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताज़ी खबरें।